आज हम देखने वाले हैं बायोट्रॉफिक और नेक्रोट्रॉफिक क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं बायोट्रॉफिक क्या होता है। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो बायोट्रॉफिक जो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, बायो और ट्रॉफिक। ठीक है, तो ट्रॉफिक आपको याद है, ट्रॉफिक ऑटोट्रॉफिक हेटरोट्रॉफिक बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ऑटोट्रॉफिक का मतलब हमें पता क्या होता है कि जो अपना खाना खुद बनाते हैं, हेटरो जो नहीं बना पाते हैं। ठीक है, अब ये बायोट्रॉफिक किसमें एडजस्ट हो रहे हैं। अब बायो मतलब, बायो का मतलब देख, ऑटो का मतलब हमें पता था ऑटो के, ऑटोट्रॉफिक के अंदर कि वो खाना, ऑटो मतलब खुद। ठीक है, तो खुद खाना बन रहा है, बना रहे हो। ठीक है, बायोट्रॉफिक। ठीक है, बायो का मतलब होता है यहाँ पे लिविंग। ठीक है, बायो का मतलब लिविंग होता है। तो बायो का मतलब लिविंग, इसका मतलब मतलब जो जिंदा इंसान से खाना ले रहा है। एग्जैक्टली यही है, जो जिंदा इंसान से खाना ले रहा है। ठीक है, तो वो पैरासाइट, ठीक है, जो जिंदा इंसान से खाना खा ले रहा है, उसे हम बायोट्रॉफिक कहेंगे, एज सिंपल एज दिस। ठीक है, अभी इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं, आप धीरे धीरे आपको पता चलेगा। ठीक है, उसके बाद हमें पता चला है कि ये पैरासाइट है। ठीक है, ये पैरासाइट का एक टाइप है, मतलब पैरासाइट का जो है न्यूट्रिशन का टाइप है बायोट्रॉफिक। अब ये जो पैरासाइट होते हैं ना, ये एक लिमिटेड पोर्शन ऑफ द प्लांट पे ही अटैक करेंगे। सपोज ये एक प्लांट है, ठीक है, ये इस प्लांट की पत्तियाँ है। ठीक है, ये एक प्लांट है, अब पैरासाइट है ये। ठीक है, लेकिन कौन सा पैरासाइट है, बायोट्रॉफिक। ये पूरे प्लांट को नहीं करेगा, ये सिर्फ अगर इस प्लांट पे ये है ना, तो ये एक लिमिटेड पोर्शन पे ही ये रहने की कोशिश करेगा कि भाई मैं बस इस वाले पोर्शन पे ही रहूं, और मैं बस क्योंकि धीरे धीरे ये पोर्शन को वो करेगा ना, तो धीरे धीरे फिर ये पहले यहाँ तक आएगा, यहाँ से सारा न्यूट्रिशन ले लेगा, फिर ये यहाँ पर पहुँचेगा। ठीक है, फिर इसमें से न्यूट्रिशन ले लेगा, फिर ये यहाँ पर पहुँचेगा, तो ये धीरे धीरे जो इस पेड़ को खाएगा, क्योंकि सबने आपको सर्वाइव ही तो करना है ना। ठीक है, तो बायोट्रॉफिक्स जो होते हैं वो गुड पैरासाइट होते हैं। ठीक है, गुड पैरासाइट क्या है कि अपने आपको उसे वहाँ पर सर्वाइव करना है। ठीक है, दूसरी बात क्या होती है, इसके अंदर एक होस्टोरिया होती है कि ये एक होस्टोरिया पता है ना, कि ये एक सपोज ये एक इस तरीके की जो है ये एक स्ट्रक्चर बना लेगा। अगर ये एक सेल है, ठीक है, ये पूरा का पूरा एक सेल था, ये यहाँ पे जो है इसके अंदर बस ये एक होस्टोरिया बना ली इसने। ठीक है, अब ये जो होस्टोरिया है, ये किस लिए बनाई है इसने, यहाँ से न्यूट्रिशन ड्राइव करने के लिए, यहाँ से न्यूट्रिशन लेता रहेगा ये। ठीक है, उसके अलावा क्या है कि जैसे हमने यहाँ पे बताया था, हमने यहाँ पे कि ये सिर्फ थोड़े थोड़े पोर्शन को डिस्ट्रॉय करेगा, तो ये सेल के जिस सेल के अंदर है ना, वो वहीं पर जो भी टॉक्सिन्स वगैरह रिलीज़ करेगा, सेल के बाहर वो कुछ टॉक्सिन्स रिलीज़ करने की नहीं सोचता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है रस्ट फंगस, ठीक है, डाउन योर माइल्ड्यू फंगस। ठीक है, वो इसी के एग्जाम्पल में आते हैं। चलिए अब हम दूसरा देखते हैं, नेक्रोट्रॉफिक क्या होता है। ठीक है, अब अगर हम नेक्रोट्रॉफिक की भी बात करें, तो ये भी ये दो वर्ड्स में मिलकर बना हुआ है, ट्रॉफिक मतलब अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, और नेक्रो, नेक्रो का मतलब होता है जैसे हम कहते हैं नेक्रोसिस हो गया पेड़ के अंदर, मतलब वो वाला कोई हिस्सा जो है वहाँ पे डेड हो गया। ठीक है, तो नेक्रो का मतलब होता है डेड, नेक्रो का मतलब होता है जी डेड। ठीक है, तो मतलब डेड मोड ऑफ और न्यूट्रिशन, मतलब वहाँ पे हमने कहा था बायोट्रॉफिक, मतलब जिंदा इंसान से वो न्यूट्रिशन ले रहा था, यहाँ पे वो मरे हुए इंसान से न्यूट्रिशन ले रहा है। मतलब वो क्या करता है, वो किसी एक पेड़ पे गया, ठीक है, वो ये जाएगा यार इस पेड़ को मैं फटाफट से मार दूँ, ठीक है, और फिर मैं यहाँ इसमें से न्यूट्रिशन ड्राइव करूँगा। ठीक है, तो इसके अंदर भी हम वही सेम लेते हैं कि ये सपोज एक पेड़ है, ग्रेट, ये एक पेड़ है। अब ये इस पेड़ को ना उस वाले के अंदर क्या था कि अगर वो एक एक पोर्शन में अगर ये वाला पोर्शन था, तो वो यहीं पे जो था कन्फाइंड रह रहा था, वो धीरे धीरे अपने आप को बढ़ा रहा था। ठीक है, यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे ये फटाफट से अपने आप को पूरे में फैला देगा, सो दैट ये प्लांट मर जाए, तो ये फटाफट से इसे पूरे को ये यहाँ पे जो है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर टॉक्सिन्स को भी रिलीज़ करेगा। ठीक है, क्योंकि टॉक्सिन्स रिलीज़ होंगे तभी तो पेड़ को ज़्यादा नुकसान पहुँचेगा, तो ये प्रॉपरली ये इसे प्रॉपरली यहाँ पे इसे नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेगा। ठीक है, इसके अलावा ये इसके अंदर होस्ट, जैसे हमने उसके अंदर देखा था कि ये होस्टोरिया डालेगा, क्योंकि उसे तो वहाँ से न्यूट्रिशन लेते रहना था, यहाँ पे होस्टोरिया भी नहीं बनेगी। ठीक है, और लिमिटेड पार्ट पे भी ये जो है यहाँ पे नहीं करेगा, ये तो पूरे पे ही डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा। ठीक है,
अब एग्जांपल में हम इसके जो है पाइथियम देख सकते हैं, इसका एग्जांपल पाइथियम होता है, ठीक है, पाइथियम जो कि डिजीज कॉज करता है, ठीक है। और उसके अलावा नेक्रोसिस क्या होता है कि ये होस्ट स्पेसिफिक नहीं होता, ये किसी पे भी चल जा सकता है, तो होस्ट स्पेसिफिक नहीं होने की वजह से ये ब्रॉड होस्ट रेंज होती है उसकी, बहुत अब स्पेसिफिसिटी ख़त्म हो जाती है जहाँ से, वहाँ से तो आपके पास में बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं, ठीक है। और ये एक अच्छा पैरासाइट नहीं होता क्योंकि अपने होस्ट को मार देता है, ठीक है, तो ये एक अच्छा पैरासाइट नहीं होता है। तो अब हम जो है इनके बीच में थोड़ा सा डिफ्रेंसेज देखते हैं कि नेक्रोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक में और बायोट्रॉफिक में डिफ्रेंसेज क्या है। ये कि डेफिनेशन हमने देख ली है कि बायोट्रॉफिक फंजाई आर ग्रुप ऑफ प्लांट प्लांट पैथोजन दैट ड्राइव न्यूट्रिशन फ्रॉम द लिविंग प्लांट्स, जो जिंदा प्लांट से न्यूट्रिशन ले रहे हैं वो बायोट्रॉफिक। और जो उन्हें नेक्रोट्रॉफिक फंजाई आर अ ग्रुप ऑफ फंज प्लांट पैथोजन दैट ड्राइव न्यूट्रिएंट फ्रॉम द डेड टिश्यू, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है डेड टिश्यू से जो ले रहे हैं, ठीक है, वो नेक्रोट्रॉफिक। अब किलिंग ऑफ होस्ट सेल, क्या ये होस्ट सेल को बायोट्रॉफिक मारना चाहता है? नहीं चाहता, ठीक है, तो नो। और यहाँ बायोट्रॉफिक में भाई बिल्कुल मारना चाहेगा क्योंकि वो उसे जल्दी जल्दी ख़त्म करता है ना, किल फंजाई विल होस्ट सेल्स रैपिडली, ठीक है, उसे किल कर देता है जल्दी से जल्दी, वो चाहता क्योंकि उसे डेड करना है, ठीक है, तो वो जल्दी से जल्दी मारने की कोशिश करता। अब ये बायोट्रॉफिक कहाँ से लेते हैं? हमें पता है भाई बायो मतलब जिंदा, तो जिंदा सेल से ये न्यूट्रिशन लेगा, ठीक है, फ्रॉम लिविंग सेल्स। लेकिन नेक्रोट्रॉफिक मतलब डेड, तो ये डेड सेल से लेगा, सिंपल। उसके अलावा पैथोजेंस कैसे होते हैं, हमने अभी देखा कि पैथोजन जो होते हैं वो बायोट्रॉफिक के हाईली स्पेशलाइज्ड होते हैं, ठीक है, क्योंकि उसे मारना नहीं है, उसे जिंदा है, उसे कॉपरेट करना है उसके साथ में, मतलब वो उसे डिस्ट्रॉय तो कर रहा है, धीरे धीरे कर रहा है, ठीक है, तो थोड़ा सा तो कॉपरेट करना चाहेगा ना वो वीक की होस्ट के साथ में, तो वो थोड़ा स्पेसिफिक होता है बायोट्रॉफिक का, ठीक है, तो ये हाईली स्पेशलाइज्ड, थोड़ा भी नहीं, बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज होता है। लेकिन नेक्रोट्रॉफिक को ऐसा नहीं है, उसे तो बस जाना है सीधा और मार के आ जाना है, ठीक है, उसे ये नहीं देखना कि दोस्ती करनी है या नहीं, तो वो अनस्पेशलाइज्ड पैथोजेंस होते हैं, ठीक है। और अनस्पेशलाइज्ड होने की वजह से ही इसकी होस्ट रेंज ब्रॉड हो जाती है। दूसरा, होस्टोरिया बनेगा या नहीं, तो बायोट्रॉफिक के अंदर तो बिल्कुल बनेगा भैया होस्टोरिया, ठीक है, लेकिन इसके अंदर नेक्रोट्रॉफिक के अंदर होस्टोरिया नहीं बनेगा, नॉट प्रोड्यूस्ड, ठीक है, नॉट प्रोड्यूस्ड होस्टोरिया। उसके अलावा एंजाइम्स और टॉक्सिन्स की अगर हम बात करते हैं, तो ये तो कोई एंजाइम्स बायोट्रॉफिक तो कोई टॉक्सिन नहीं रिलीज करना चाहता, ठीक है, लेकिन नेक्रोट्रॉफिक तो जल्दी जल्दी चाहता है कि भैया मैं ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके मैं टॉक्सिन्स को रिलीज करूँ और जल्दी से मैं स्पीड को मार दूँ। अब जो बायोट्रॉफिक पैरासाइट्स जो होंगे, मैंने बताया क्योंकि वो स्पेशलाइज्ड होते हैं तो इसलिए उनकी जो रेंज होती है होस्ट की वो बहुत नैरो हो जाती है, ठीक है, क्योंकि वो उनके साथ में दोस्ती करेंगे, दोस्ती किसी के साथ नहीं होता, हो सकती हर पेड़ के साथ, ठीक है, तो या फिर हर फंजाई के साथ, बेसिकली यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं, तो वो हर किसी के साथ दोस्ती नहीं कर सकते, इसलिए एक नैरो होस्ट रेंज होती है। लेकिन नेक्रोट्रॉफिक सबको मार सकता है, मारने के लिए दोस्ती थोड़ी ना करनी होती है, तो सबको मार सकते हैं, तो वाइड होता है, ठीक है। अब टाइप ऑफ प्लांट्स अफेक्टिंग प्लांट्स ऑफ ऑल एजेस एंड विगर, ठीक है, बायोट्रॉफिक किसी को भी अफेक्ट कर सकता है, लेकिन नेक्रोट्रॉफिक मारने के लिए तो थोड़ा सा ये दिखता है ना कि यार मुझसे कमज़ोर होना चाहिए, ठीक है, तो वो थोड़ा वीक और डैमेज प्लांट्स को ही जो है वो मार गिराता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बनो इसलिए। अब डिसीज़ जो है ये पाउडरी माइल्ड्यू, रस्ट, टमाटो, ब्लैक स्मट, रस्ट ऑफ सीरियल्स, ठीक है, पोटैटो लेट ब्लाइट, तो बहुत सारी डिसीज़ जो बायोट्रॉफिक क्योंकि वो चाहता है कि जिंदा रहे, ठीक है। उसके अलावा ग्रे माउल्ड, कॉर्न लीफ ब्लाइट, डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग, जो कि कॉज करता है पाइथियम, ठीक है, और तो ये बहुत सारी डिसीज़ हैं जिसे आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, ये सब कॉज करता है नेक्रोट्रॉफिक पैरासाइट्स, ठीक है, नेक्रोट्रॉफिक। और ये फंजाई है, फंगल डिसीज़ कॉज करते हैं, ये सारी फंगल डिसीज़ है अभी जो यहाँ पे दी हुई है। ओके, विद दिस थैंक यू सो मच, कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग।